गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द लास्ट डे, दैट इज 22 अप्रैल, और आज हम लोग निकल जाएंगे राजसमंद के लिए और सब जगह रेडी हो चुके हैं। सो काफी लंबा टूर था, मतलब हाफ मतलब आधा महीना तो था, 15 दिन हम लोग थे यहाँ पर। सो अभी वहाँ पर जा रहे हैं राजसमंद और सब रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, शायद गाड़ी भी नीचे आ चुकी है, हम लोग 8 बजे जाएंगे। तो लेट्स गो भाई, हम आपको हमारा एयरपोर्ट लुक दिखाएंगे। सो ये रहा कृतिका का, जो कि अभी रेडी नहीं हुई है, पूरी थोड़ी सी बाकी है, और मेरा दिखा OTD ये हमारा हाफ ऑफ द लगेज आ चुका है और हाफ ऑफ द लगेज नीचे जा चुका है। ये देखो सब, ये सब पहले हम सब पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं, मेरे को छोड़ ये दूसरी बार, ये हमारा आधा लगेज, सो हम लोग अभी आ चुके हैं, मतलब एंटर कर चुके हैं एयरपोर्ट। दिस इज पार्किंग गेट ना, हम लोग आ चुके हैं अभी एयरपोर्ट। लुक एट द भीड़ मैन, इतनी सारी भीड़। अभी हम एंटर कर चुके हैं एयरपोर्ट, दीदी और मम्मी, दीदी इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी हम हमारा बोर्डिंग पास लेके फोकस नहीं कर रहा, हाँ बोर्डिंग पास लेके चल रहे हैं, जाते हैं, स्कैनिंग होगी और हम बस चल रहे हैं। अब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वैसे, ये बहुत सुंदर भी है, वाटरफॉल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, चलो चलते हैं। ब्यूटीफुल वाटरफॉल इज हियर, वहाँ हम जिधर घूमने गए उससे अच्छा वाटरफॉल तो ये है। बहुत 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 सुंदर जगह है ये, एयरपोर्ट तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ये है हमारा टिम हॉर्टन्स, हम चल रहे हैं, बहुत लंबी जगह है, हमको हमारे बोर्डिंग में ही आधा टाइम लग रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं शॉप्स के बीच में से, ये हमारी शॉपर्स स्टॉप। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी स्टोर में घुस के बाद कुछ देखने का, कुछ खरीदने का। चलो हम हमारी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, शायद ये विस्तारा वाली ऐसे, पर अभी फिर भी हाफ एन आवर समथिंग बाकी है, बोर्ड करेंगे अब हम। अभी तो सब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और अब देखते कितनी देर लगेगी। पता चला है कि विस्तारा वाली फ्लाइट यही है हमारी, फिलहाल अभी आ रही है। ये हमारे दादाजी, हमारी दादी जी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं हमारी बोर्डिंग, हमारी स्पेशल है क्योंकि दादा दादी व्हील चेयर पे, तो वो चल नहीं सकते, बहुत लंबा एयरपोर्ट है, तो थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट कभी बैठे थे, शक्ल ही मेरी लग रही है। ये दादा अब चलते हैं, हमारी सीट ढूंढते हैं कि हमारी सीट कहाँ पे है। चलो और ये मैं और दादी बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं और अब लोग आ चुकी है, टी टी टी, और वो हमारे दद्दू कॉफी पे
चाय पीते हैं और व्यू इंजॉय करते हैं और फट से फट हमारे घर पहुंचते हैं और सुबह की सांस लेते हैं। बाय। मैंने दीदी ने किया है, दीदी ने देखो पूरे कपड़े गंदे कर दिए, पांच चाटा मारो। से मिलने वरुण बोली आया है, पंचायती करना है, महापंचायती। तो अब हमारे प्लान होने वाला है, लैंड हो चुका है सक्सेसफुल। मैं अब बोलो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बस 2 घंटे में आ गया, 2 दिन की जगह 2 घंटे में। छपरी सुमित बोलिया, अरे गवार कैसा। चलो हम आ गए हमारे स्टेट में। सो अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और हमारा लगेज लेने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे सारे लगेजेस, हाँ वो एक और आगे वाला, यो 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 भाई ध्यान नहीं कैसे। सो ये रहे हमारे महाराणा प्रताप और ये रहा पूरा खाली एयरपोर्ट एज यू कैन सी। सब अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बुआ से शेयर करते हुए क्या भी पापा ने सबसे अच्छा एक्सपीरियंस पापा का रहा। तो हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमारा जो ड्राइवर था, मतलब हमारी जो गाड़ी आने वाली थी लेने के लिए, वो पंचर हो चुकी है और अब अभी 1 घंटा हमको ये एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ता है। चुके हैं अभी डबोक और अब डबोक से हम लोग जा रहे हैं हमारे घर कांगरोली और हमारा सामान चुके खूब सारा है। हम अभी मस्त अपनी हमारी गाड़ी के ऊपर बांध रहे हैं फुल 12-13 लगे हम लोगों के। सो ये रहा टिपिकल इंडियन थिंग्स। हम मच्छी भी बेचता है, सिलाई भी करता है, इधर बाजू में मच्छी बिकता है हमारा है। अरे नहीं, अरे देखिए आपको बड़ा मच्छा चाहिए तो हम एक आपका एक कुछ छीन लेगा, लॉन्ड्री कराना है लॉन्ड्री भी करा देगा। हमारा एक चिकन शॉप है बाजू में, उधर लॉन्ड्री भी होता है चिकन का। वो चिकन का जो होता है ना। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। नमस्ते, जीते रहो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम लोग अभी घर आ चुके हैं और मस्त इतना अच्छा लग रहा है घर आ करके और बहुत काले भी हो चुके हैं, 1-2 महीने लगेंगे अच्छा वापस कलर रिकवर होने में। सो अभी मैं आपको सबकी खुशी दिखाती हूँ, सब लोग कितने खुश हो रखे। और ये हमारा क्यूट सा दोस्त भी आया है। अरे नीचे ए, परेशान कर रही है मेरे बच्चे को। अभी अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वाली पूरी सीरीज पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।
मेरा एक व्लॉग और था जो कि श्रवण मेला गोला टेम्पल का था, वो भी जैन टेम्पल ही है, और उसके लिए मुझे काफी दुख हो रहा है। मतलब मुझे गलती से डिलीट हो चुका था वो, और ना मेरे बैकअप में था और ना मेरे स्टोरेज में था, मतलब कहीं पे भी नहीं था। और वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू था और तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि मैंने उसकी कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, सो प्लीज जिसे नहीं देखी है जाके देख लेना। एंड बाय।